और चलिए आगे बढ़ते हो, एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें। यहाँ कांग्रेस के ऑफर पर केपी यादव ने दो टूक कहा है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में सांसद केपी यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल गुना से टिकट कट चुका है केपी यादव का, यहाँ से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा गया है। अब ऐसे में केपी यादव को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी हो, सिंघार ने कहा और इसके साथ ही कुछ और जो पार्टी के नेता हैं वो भी लगातार उन्हें लेकर बयान दे रहे हैं। लेकिन बंसल न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा तो स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जो पार्टी का निर्णय है वो शिरोधार्य है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी ने केपी यादव से खास बातचीत की है, सुन लीजिए जरा उन्होंने क्या कहा। नए दौर में लिख देंगे, अब क्या है नई लाइन। देखिए, मैंने हमेशा ही यही कहा है कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो दायित्व देती है हम उसका निर्वहन करते हैं। और ठीक है, पार्टी ने जो टिकट दिए हैं मैंने सबको उसी दिन बधाई भी दी है, और अगला जो दायित्व मिलेगा मैं उसका निर्वहन करूँगा। नई दायित्व क्या मिलने वाला वो पार्टी तय करेगी, क्योंकि ये पार्टी का मैटर है। बहुत कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, पार्टी को जहाँ जिसकी जैसी उपयोगिता लगती है वहाँ उसका उपयोग करेगी, बिल्कुल। लेकिन उमंग सिंगार भी कह रहे हैं, जीतू पटवारी भी कह रहे हैं, सीधा ऑफर दे रहे हैं खुला हुआ, तो कांग्रेस में तो नहीं जा रहे उनके पास है ही क्या, जाएंगे तो नहीं कभी नहीं। कह रहे ऐसा है कि कांग्रेस गुल खिला देगी, एक बार केपी भाई फिर गुल खिलाएंगे। देखिए, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता हूँ और मैं राष्ट्र सेवा में लगा हूँ और हमेशा राष्ट्र सेवा में लगा रहूँगा। राष्ट्र सेवा बीजेपी है, बिल्कुल, मेरे लिए तो मेरी पार्टी ही सब कुछ है। संघ में आए थे, आज मुलाकात हुई है? मैं हमेशा आता रहता हूँ, ये मेरा कोई पहली बार आगमन नहीं हुआ है, अनेकों बार आया हूँ और निश्चित ही हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए आना भी चाहिए। बीच बीच में मैं ही नहीं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग यहाँ आते हैं और हमें उचित मार्गदर्शन मिलता है। अगला मार्गदर्शन मिल गया निश्चित। आपको नहीं लग रहा क्या? मिल गया, चेहरे की खुशी बता रही। तो राज्यसभा जा रहे हैं क्या? अरे दादा माफ करो यार। अच्छा, कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए, केपी यादव है, बहुत मिलनसार और बहुत खुशमिजाज आदमी है, हमेशा जब भी मिलते बात करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अभी अभी संघ में पहुंचे थे मुलाकात करने, यहाँ संविधा में मुलाकात हुई है, संघ के जो भी लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात करके बाहर निकले तो साफ कर दिया है कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगली लाइन क्या होगी, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, पार्टी जो देगी उसको लेने को तैयार हूँ। दिलीप विश्वकर्मा के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो देखिए, केपी यादव की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया है कि मैं कभी भी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। एक बहुत बड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस एक अलग तरह का माइंड गेम खेल रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि केपी जैसा योद्धा आएगा सिंधिया को धूल चटाएगा, केपी जैसा योद्धा आएगा सिंधिया को धूल चटाएगा। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी खुला ऑफर दिया कि केपी यादव के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन देखिए, जब बंसल न्यूज ने बातचीत की तो केपी यादव ने दो टूक कहा कि पार्टी का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है, ये पार्टी का निर्णय है और मैं कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि उमंग सिंघार ने और जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा था केपी यादव को लेकर। ज्योतिराज सिंधिया जी की छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे, पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप धूल चटाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि अब केपी यादव के लिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। अब केपी यादव के लिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। अब केपी यादव के लिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। तो केपी यादव 2019 में एक बार फिर से आपको बता दें कि चर्चाओं में आए थे, जब उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी से केपी यादव ने उन्हें हराया था और उसके बाद वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हैं और बीजेपी ने गुना से अब उन्हें टिकट दिया है केपी यादव का टिकट काट कर। तो देखिए, दूसरी तरफ अब केपी यादव को लेकर कांग्रेस एक अलग रणनीति भी उस पर काम कर रही है, एक माइंड गेम खेला जा रहा है और इसी कड़ी में नेताओं की ओर से बयान भी आ रहे हैं। लेकिन केपी यादव की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि मैं कांग्रेस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
तो बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, योद्धा बताया है जीतू पटवारी ने केपी यादव को। दूसरी तरफ केपी यादव को लेकर उमंग सिंघार कहते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, हालांकि इन दरवाजों को बंद कर लीजिए। ये केपी यादव की ओर से एक तरह से कहने का प्रयास किया गया कि मैं कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक अलग तरह का माइंड गेम खेलने का प्रयास कांग्रेस जरूर कर रही थी केपी यादव के साथ, भले ही प्रलोभन देने का प्रयास, दरवाजे खुले हुए हैं, जीतू पटवारी ने उन्हें योद्धा बता दिया, लेकिन आज जो बातचीत आपकी हुई है, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ऐसा लग रहा है कि केपी यादव ने यह कह दिया कि आप अपनी पार्टी के दरवाजे बंद कर लीजिए, मुझे वहां आने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पार्टी में हूं और आगे का जो निर्णय है पार्टी का वो भी शिरोधार्य होगा, ये भी पता है कि पार्टी और भी बड़ी जिम्मेदारियां मुझे देने वाली है। बिल्कुल जय, देखिए केपी यादव समझ रहा है इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब टिकट घोषित हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उसके बाद पहली बार बंसल न्यूज पर ही केपी यादव का बयान देखने को मिला। वो संघ कार्यालय पहुंचे थे मिलने, संघ क्यों गए होंगे, जाहिर है अपना दुख व्यक्त करने गए होंगे, कोई बातें करने गए होंगे, लेकिन मुझे लगता संघ से बाहर आए तो चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौट आई, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस जो उम्मीदें लगाए बैठी थी कि कोई बड़ा खेला कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के भीतर, क्योंकि पिछली बार केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था, तो उन्हें लगा कि इस बार कांग्रेस से सीट देकर ऐसा कर देंगे, तो आज उन्होंने उस बात पर राम लगा दिया। लेकिन राजनीति में जया, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और चीजें दिखाई दो, लेकिन मुझे लगता है कोई आश्वासन उनको मिल गया है, आने वाले दिनों में कोई नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल सकती है, जैसा वो बंसल न्यूज से बात कर रहे थे। पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, केपी यादव से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और उनकी बड़ी सी मुस्कान तो यही कह रही है कि ज्यादा उम्मीदें फिलहाल कांग्रेस केपी यादव से ना करे। शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए, आगे बढ़ते